कृष्ण जन्मभूमि केस में शाही ईदगाह मस्जिद के नाम से नहीं मिले दस्तावेज। जैसे कि अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष नहीं साबित कर पाया कि वो बाबरी मस्जिद था, जिसके लिए कई मास्टरस्ट्रोकवादी कहते रहे कि ये तो हिंदू पक्ष के वकीलों ने कहा कि बाबर ने कभी तोड़े ही नहीं थे। कानूनी समझ नहीं है जो ले लेके वकीलों पे और हिंदू पक्ष शंकराचार्य के वकीलों पे हमला करने लगे। कोर्ट ने कहा ये साबित करने तो मुस्लिम पक्ष को कि बाबरी मस्जिद है, बाबर ने बनवाया, आप क्यों कहते हो आपका तो मंदिर था शुरू से, राम भगवान के जन्म के बाद से हो गया, मुस्लिम पक्ष साबित नहीं कर पाया। वैसे ही मथुरा के ईदगाह में मस्जिद के ईदगाह शाही ईदगाह मस्जिद के नाम से नहीं मिले कोई दस्तावेज। शुक्रवार को नया मोड़ आया, शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के सचिव के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, उन पर फर्जी दस्तावेज देने का आरोप है। शाही ईदगाह मस्जिद के नाम से कोई भी अभिलेख वर्तमान में नहीं है। नगर निगम खनौती और राजस्व अभिलेख में श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम दर्ज हैं, यानी कि अयोध्या पर भी मुस्लिम पक्ष का झूठ, ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष का झूठ, जो सर्वे में स्पष्ट हो गया, और ब्यास जी के ताखाना को जो मुलायम ने बंद किया, और मुलायम ने बंद किया के बाद मोदी योगी सरकार जो 17 में आई है वो भी बंद किए रही। व्यास परिवार योगी सरकार के विरुद्ध ही केस लड़ता रहा, योगी के सरकार की हार हुई है और व्यास परिवार को पूजा का अधिकार मिला है। वैसे ही मथुरा में भी ईदगाह के पास कोई दस्तावेज नहीं है, यानी ये फर्जी दावे करते रहे आज तक, इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ गुंबद खींचकर हिंदुओं का अपमान करते रहे, हिंदुओं के अपमान से इनको आनंद आता रहा। आज एक एक करके इनका अपमान झूमिल हो रहा है, इनका इनका जो झूठ है वो प्रकाश में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो जो ये हिंदू केस लड़ रहे हैं उनका नाम आप याद रखिए, वरना आप फिर किसी के झोली में डाल देंगे जाकर। नाम याद रखिए, ये हिंदू जो लोग केस लड़ रहे हैं, और ये आज से नहीं लड़ रहे, हमेशा से लड़ रहे हैं, तो याद रखिए इस बात को। हिंदुओं को आप याद रखेंगे, आपको भी आपकी पीढ़ी याद रखेगी आपकी वीरता के कारण। दूसरी खबर आई है भाजपा के तरफ से, अच्छी खबर आई है, और मैं आपको निष्पक्ष भाव से बताता हूं हमेशा, लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है। कम से कम भाजपा के लिए लाल कृष्ण आडवाणी वो हैं जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया, दो सीट से सत्ता तक पहुंचा दिया। लाल कृष्ण आडवाणी वो हैं जिनके जिनको अगर हटा दिया जाए तो भाजपा का इतिहास ही नहीं बनेगा, लिखा ही नहीं जाएगा। तो दूसरे कार्यकाल में ही सही और कर्पूरी ठाकुर के बाद ही सही, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया है, इसका मैं एज ए पत्रकार स्वागत करता हूं। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया है इसमें उन्होंने जो कहा है वो मैं आपको बताता हूं। मैंने उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर बधाई दी। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक, भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने का है। पीएम ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे। सार्वजनिक जीवन में आडवाणी जी के लंबो दशकों लंबी सेवा को पारदर्शिता और अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता द्वारा चिन्हित किया गया है। जिनके राजनीतिक नैतिकता में एक अनुकरणीय मानक स्थापित किया है, उन्हें राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को आगे बढ़ाने की दिशा में बेहतरीन प्रयास किए हैं। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना मेरे लिए भावुक क्षण है, मैं हमेशा अपना सौभाग्य मानूंगा, मुझे उनसे सीखने की अनगिनत अवसर मिले हैं, परंतु राम मंदिर में इनका कहीं उल्लेख नहीं किया, ना बुलाया ना भारत रत्न के बाद उल्लेख ही किया कि यदि राम रथ यात्रा कोई लेकर चले तो आडवाणी, तो यहां भी उनका जो असली काम था हीरोइज्म, जिसको बोलते हैं हीरोइज्म, उस हीरोइज्म को अंडर प्ले कर दिया गया है, क्योंकि राम का नाम लेकर मोदी जब राष्ट्रपति से अपना क्रेडिट नहीं बांट सकते, संसद से लेकर राम मंदिर तक, तो वो आडवाणी जो आडवाणी और कल्याण सिंह 5 अगस्त को अब तक शरीर में नहीं,
नहीं आने दे सकते क्योंकि उनसे बड़े चेहरे कैसे आ सकते हैं, तो ये कैसे कहें। इसलिए रथ यात्रा का इसमें जिक्र नहीं है, इसी रथ यात्रा से भारतीय जनता पार्टी सत्ता के सोपान तक पहुंची, फिर भी उनको भारत रत्न दिया, ये बड़ा ही सम्मानित काम किया। एक बड़ा पाप जो इन लोगों के ऊपर था भाजपाइयों पर, वो कटा। अडवाणी की ही यात्रा भाजपा की यात्रा है, इसलिए भाजपाइयों का एक बड़ा पाप कटा अडवाणी जी को भारत रत्न देकर, इसका मैं स्वागत करता हूं।